हरियाणा के सोनीपत के समीप खानपुर कला ककाना संपर्क रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ है। टक्कर लगने के बाद कार में आग लग गई, जिससे कार में सवार चालक सहित तीन लोग जिंदा ही जल गए। एक शव ड्राइवर की सीट पर तो दूसरा आगे वाली सीट पर था। इन दोनों के बीच में तीसरे व्यक्ति का शव पड़ा मिला। कौन कहां पर बैठा था, शव पूरी तरह से जलने के कारण इसका भी पता नहीं चल पाया। आपको बता दें कि आग इतनी भयंकर थी कि आग के लपटे दूर से दिखाई दे रही थी। घटनास्थल के आसपास के खेतों में काम कर रहे किसान भी गाड़ी की तरफ दौड़े, लेकिन जब तक आग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। किसानों ने आग पर काबू पाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। सूचना के बाद दमकल केंद्र से एक गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और फायरमैन ने आग पर काबू पाया, जब तक तीनों के शव पूरी तरह से जल चुके थे। यहां आपको यह भी बता दें कि मृतकों की शिनाख्त शामली निवासी कप्तान और राजू व बजाना निवासी सुरेंद्र के रूप में हुई है। शामली निवासी कप्तान और राजू आपस में पड़ोसी थे, दोनों ही खेती करते थे। जानकारी के अनुसार दोनों ही किसी काम से कुतुबगढ़ जाना था। उन्होंने टैक्सी हायर करने के लिए बजाना कला गांव निवासी सुरेंद्र को फोन किया। सुरेंद्र गुरुग्राम में अपनी गाड़ी को टैक्सी के रूप में चलाता था। पिछले कई दिनों से अपने घर पर आया हुआ था। काम निपटाने के बाद वे सुरेंद्र के साथ गांव आ रहे थे। खानपुर कला ककाना संपर्क रोड पर हादसा हो गया, जिसमें तीनों ही जिंदा जल गए। सूचना के बाद सदर थाना गोहाना के प्रभारी करमजीत टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं दर्दनाक हादसे की सूचना के बाद शामड़ी और बजाना कला गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बजाना निवासी सुरेंद्र अविवाहित था। सुरेंद्र की 5 बहनें और 2 भाई हैं, जबकि कप्तान और राजू शादीशुदा थे। कप्तान के पास करीब 1.5 वर्ष का एक लड़का है, जबकि राजू के पास एक लड़का और एक लड़की है। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं ग्रामीण और परिजन रात को ही घटनास्थल और मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में पहुंच गए। यहां आपको बता दें कि जिला में कार में जिंदा व्यक्ति के जलने की यह चौथी घटना है। पिछले वर्ष सोनीपत के सेक्टर 7 और सेक्टर 23 में कार में आग लगने से एक व्यक्ति जिंदा जल गया था। पिछले कुछ माह पहले लड़सोली गांव के पास कार में आग लग गई थी, उसमें सवार एक व्यक्ति जिंदा जल गया था। वहीं प्रभारी थाना गोहाना करमजीत सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान करके उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। कौन सा रोड है, क्या पता लगा था, बताना है। वो ककाना रोड है। अच्छा, खानपुर कला। हाँ, मेरे तो पुलिस वाला ने फोन किया था, पर आए पुलिस ने मेरा क्यों पता लग गया क्यों करके हादसा हो गया। अब सिलेंडर ट्रैक्टर और मेरे ख्याल में उनका गाड़ी में ना बना दिए, ये सिलेंडर फट गया इसका। सिलेंडर तो नहीं फट रहा, सेंटर सिलेंडर ये क्यों और जली क्यों करे। कितने थे इसमें यानी मैं बताऊं, ये 2-3 तक कंफर्म से हैं, 3 और बाकी का क्या बताऊं। तो कौन सा रोड है यो? ककाना रोड, खानपुर से ककाना रोड पर। आपका क्या नाम है? मेरा प्रकाश है। कुछ पहचान? खानपुर कला सरपंच का पिताजी। इनकी कुछ पहचान हुई है? कौन थे भाई? न्यू कह रहे हैं, ये बात हुई गाड़ी वाला बजाने का है, वो मालिक। अच्छा। हाँ, तो बोला रखा है, बात ही भाई चल रही थी बात है। अच्छा। मेरे से बात नहीं, पुलिस वाले की बात हुई। ठीक। डॉक्टर गांव में 3 दिन पहले बड़ा हादसा हुआ, तो आप यहाँ पर परिवार को सांत्वना देने पहुँचे? हाँ जी, बड़ी दर्दनाक घटना हुई है और बिल्कुल कानून व्यवस्था चरमरा रही है हमारे प्रदेश की। परिवार को हम सांत्वना देने आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसकी पूरी तरह से जांच करेगी, तहकीकात करेगी और जड़ तक पहुंचे कि ऐसे क्या हुआ, क्यों हुआ, और जो भी दोषी हैं उन तक पहुंचकर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आखिर में परिवार ही है जो दुखी रह जाता है। और आप जैसे हम जैसे लोग आते हैं, सांत्वना देकर चले जाते हैं, लेकिन अंत में बच्चे और परिवार उनको सारी उम्र के लिए बड़ी दिक्कत आ जाती है। राहुल गांधी जी ने तो अब नकल में कुछ भी करें, आप देखते हैं कि कितनी बुरी तरह से फेल हो रहे हैं ये लोग। तो राहुल गांधी जी आए, राहुल गांधी जी तो हरियाणा के लोगों के निमंत्रण पर आए। हमने उन्हें यहाँ पर कांग्रेस जनों ने और आम लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, वो चाहते थे कि राहुल गांधी जी आएँ, क्योंकि राहुल जी ने हमेशा किसान की और मज़दूर की आवाज़ उठाई है,
राहुल जी आए उनके लिए बहुत लोगों में जो आम लोगों में उत्साह था वो सभी ने देखा। सरकार ने लाख कोशिश की कि उनकी एंट्री ना हो हरियाणा में, तरह तरह के रोड़े अटकाए, कहा कि अकेले आए। अब कोई राष्ट्रीय नेता अकेला आ सकता है क्या? पंजाब के लोग ना आए, पंजाब कोई पाकिस्तान है क्या? कोई वीज़ा चाहिए और वो क्या यहाँ पे आके बस जाएंगे? अपने राष्ट्रीय नेता को इज्जत से वो छोड़ने आ रहे थे और हम उनका स्वागत कर रहे थे, ये तो एक नॉर्मल शिष्टाचार की बात है। सरकार, हरियाणा सरकार इससे हिल क्यों गई, डर क्यों गई? इतना इनके दिल में डर क्यों था? क्योंकि इनमें आत्मविश्वास नहीं है, ये जनता का विश्वास खो बैठे हैं। और राहुल जी के आने पर उसके बाद भी इन्होंने जगह जगह नाके लगा दिए ताकि हमारे लोग, हमारी गाड़ियाँ बीच में आगे ना आ सकें। उसके बावजूद आपने देखा कि कितना उत्साह था। और राहुल जी जो संदेश देकर गए हैं हरियाणा के किसान मजदूर को, आढ़ती को, कि वो उनके साथ खड़े हैं, हमेशा वो गरीब के साथ खड़े होते हैं, ज़रूरतमंद के साथ खड़े होते हैं। और जो इनकी जन विरोधी नीति है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की, हरियाणा सरकार की, उनके खिलाफ राहुल जी डटे हुए हैं और हम उनके पीछे, राहुल जी के पीछे इन सब लोगों के लिए खड़े हैं और सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके संघर्ष में शामिल रहेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.